सो हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने इंडस बैटल रॉयल गेम को इंस्टॉल कर लिया है। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे पता है आप सबका रिएक्शन भी कुछ ऐसे रहने वाला है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आप सबको मैं लाइव दिखा सकूँ कि कैसे और कहाँ से आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो और इसको प्ले कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जो कि एक गेमर को पता होना चाहिए। अब काफ़ी सारे बंदे सोच रहे होंगे कि जो मैप का साइज होने वाला है वो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस, जो ऑफिशियली डेवलपर है उन्होंने बताया है कि मैप का जो साइज है वो होने वाला है 2.5 किलोमीटर। मीन्स गाइस, जो मैप का साइज होने वाला है वो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा बड़ा देखने को नहीं मिलने वाला है, और ये एक एवरेज टाइप मैप रहने वाला है। यानी कि इस मैप को ख़त्म करने के लिए आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। अब ऐसे यार, काफ़ी सारे बंदों को पता नहीं चल रहा होगा कि मैप की एक्यूरेट साइज़ क्या है या फिर कितना बड़ा मैप है, तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ विथ पबजी मैप। यानी कि मैं आपको पबजी मैप के तुलना में समझा देता हूँ, पबजी मैप से कंपेयर करके कि इसका मैप का साइज़ कितना रहने वाला है। तो अगर आपने पबजी या फिर BGMI खेला है तो उसमें जो दो मैप्स रहते हैं, इरेंगल और मीरामर वाला, उसका जो साइज़ रहता है वो रहता है 8x8 किलोमीटर। ऑफकोर्स यार, अब मैप का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो इसको ख़त्म करने के लिए 30 से 35 मिनट का टाइम तो लग ही जाता है। अब अगर तुम्हें पता होगा तो गेम में एक अपडेट के बाद आया था लिविक मैप, जिसका जो साइज़ है वो है 2x2 किलोमीटर। यानी कि इरेंगल और मीरामर मैप जैसे, इनके कंपैरिजन में ये वाला जो मैप है लिविक वाला, ये बहुत ही छोटा देखने को मिला था। अब आप चाहे इस मैप में कैसे भी खेले, 15 मिनट के अंदर तो गेम ख़त्म होना ही है। तो गाइस, अगर आपने पबजी का लिविक मैप खेला है तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिसके कंपैरिजन से आप समझ सकते हैं कि इंडस बैटल रॉयल मैप का जो साइज़ है वो कितना रहने वाला है। लेकिन हमारा जो इंडस बैटल रॉयल का साइज़ है दोस्तों, वो है 2.5 किलोमीटर, यानी कि लिविक वाले मैप से थोड़ा सा बड़ा रहने वाला है। तो हाँ भाई, जिन्हें जो है बिगर मैप साइज खेलने की आदत है उन्हें यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है क्योंकि इंडस बैटल रॉयल गेमिंग टीम मेंबर्स ने कहा है कि जैसे जैसे गेम में अपडेट्स आएंगे इसमें और भी न्यू मैप्स, न्यू गन स्किन्स और न्यू फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अब काफ़ी सारे बंदों को यहाँ पर ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिर ये गेम की साइज़ क्या रहने वाली है और क्या लो एंड डिवाइस वाले बंदे इसको खेल पाएंगे। यानी कि ये जो गेम है, क्या लो एंड डिवाइस वाले बंदे बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी लैग के खेल पाएंगे? तो मैं आप सभी को एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो गेम है ये स्पेशली लो एंड डिवाइस वाले बंदों के लिए ही डेवलप किया गया है। यानी कि जिन बंदों के पास 3GB 4GB रैम वाले मोबाइल फ़ोन्स है वो बंदे भी इस गेम को बिना किसी लैग के खेल सकते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इंडस बैटल रॉयल जो गेम है इसको सुपर गेमिंग टीम मेंबर्स डेवलप कर रही है। अब सुपर गेमिंग टीम मेंबर्स इसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स है वो धीरे धीरे ऑफिशियली रिलीज कर रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, ये जो गेम है ये अपने इंडिया का ही है, तो आप सभी इस गेम को सपोर्ट कीजिए और अपना लव शो कीजिए। अब इतने बड़े गेमिंग टीम मेंबर्स ने इतना अच्छा गेम डेवलप किया है तो हम सबका ही फ़र्ज बनता है कि इसको हम सपोर्ट करें और इसको सक्सेस बनाएं। तो चलो अब बात करते हैं इस गेम्स के कुछ फीचर्स वगैरह के बारे में। तो भाई लोग, अपना जो गेम रहने वाला है इसमें रहने वाला है TPP और FPP दोनों, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और भाई, अगर हम बात करें कि गेम में सीजन पास वगैरह होगा कि नहीं, तो डेवलपर ने अभी तक ये कन्फर्म नहीं किया है, क्लेरिफाई नहीं किया है, एंड हो सकता है फ्यूचर में जाकर सीजन पास वगैरह ये सब ऐड हो जाए। और फिर अदर मोड लाइक TDM वगैरह भी इन फ्यूचर आप सभी को इस गेम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे इस गेम को डेवलप करेंगे और जैसे जैसे इसमें न्यू अपडेट्स आएंगे वैसे वैसे इसमें न्यू मैप्स और TDM मैप्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आने वाली है। और ये गेम हमें 60 FPS प्रोवाइड कर रहा है और इस गेम में रैंकिंग और बोट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और अब काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि ये जो अपना गेम है इंडस बैटल रॉयल, ये बनेगा फौजी या फिर पबजी? तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ कि ये ना ही फौजी बनेगा और ना ही पबजी बनेगा। मतलब कि गेम पास होगा या फेल, तो मेरे तरफ से 100% चांसेस है कि गेम पास भी होगा और पॉपुलर भी होगा, क्योंकि इस गेम में इंडियन लोगों के फीलिंग्स के हिसाब से एक ऐसा कैरेक्टर भी ऐड किया गया है जो हमारे देवताओं से जुड़ा हुआ है। यानी कि ये जो आप कैरेक्टर देख सकते हो दोस्तों, बिग गज वाला, ये कैरेक्टर हमारे लॉर्ड गणेशा की तरह दिखते हैं। और जो सेकेंड रीज़न है दोस्तों इस गेम के सक्सेस होने की, वो ये है कि ये गेम अपने खुद इंडिया का ही है, अपने देश का है, स्वदेशी है।
तो दोस्तों हम सब भारतीय इसको तो सपोर्ट करने वाले हैं। और ये जो सुपर गेमिंग टीम मेंबर्स है, ये ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर न्यूयॉर्क, यूके, लंदन में भी इसका प्रचार कर रहे हैं और वहाँ पे भी इसके बड़े होर्डिंग्स लगा रहे। अगर इन शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँ तो दोस्तों, ये जो गेम है इंडस बैटल रॉयल, इस गेम को पॉपुलर बनाने के लिए ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड में फोकस किया गया है और सब जगह इसको पॉपुलर करने की तैयारी चालू है। एंड फाइनली दोस्तों, अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। अब आप लोग जानना चाहते होंगे कि इस गेम को मैंने कहाँ से इंस्टॉल किया और आप लोग भी कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो गेम है इंडस बैटल रॉयल, इसका सिर्फ अभी ट्रायल चल रहा है और ये सिर्फ कुछ ही बंदों के पास है। और ये गेम का जब ट्रायल सक्सेस हो जाएगा तब इसको ऑफिशियली अनाउंस करके ऑफिशियली इसको प्ले स्टोर ऐप पे ऐड कर दिया जाएगा। और हाँ दोस्तों, जैसे ही मेरे इस वीडियो पे 1K व्यू हो जाएंगे तो मैं इस गेम का लिंक खुद ही अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो मेरे इस वीडियो के 1K व्यू होने के बाद आप मेरे वीडियो पे आ करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नीचे चेक कर सकते हैं, मैं इसका लिंक ऐड कर दूंगा। तो वो लिंक पे क्लिक करके आप इस गेम को इंस्टॉल कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, जो भी बंदा नीचे कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा और प्यारा सा कमेंट करता है, उस बंदे को मैं अभी के अभी पर्सनली इस गेम का लिंक सेंड कर दूंगा। तो जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ये लिंक उन्हीं बंदों को सेंड करूंगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों और नीचे एक अच्छा सा कमेंट करो।